मैं समझती हूँ कि आर्टिस्ट के लिए जो कुछ वो करना चाहता है, जो कुछ वो गाना चाहता है, सिंगिंग के हवाले से जाहिर बात करूँगी, उसे सेटिस्फेक्शन उसी सूरत में मिलती है जब उसके गले के हिसाब से, उसकी रविश के हिसाब से उसे गीत गवाए जाएं, उसे जो भी म्यूज़िक कहलवाया जाए वो एन उसकी गायकी के मुताबिक हो। तो मेरी बड़ी खुश नसीबी रही है इस एल्बम में कि बड़े बड़े मौसीकारों के साथ मैंने ये एल्बम किया है, और मेरी जो गायकी का असल अंदाज़ है मैं समझती हूँ वो बड़े अच्छे तरीके से सामने आया है। बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से आया, और मैं यहाँ ये भी कहूँगी कि आप ये डिज़र्व भी करती थी। बहुत शुक्रिया आपका। आप बिल्कुल ये डिज़र्व करती थी। और अब जो हम गीत सुनने जा रहे हैं, उस्ताद नज़र हुसैन साहब की कॉम्पोजिशन है और मुश्ताक सूफ़ी साहब ने उसके लिरिक्स लिखे हैं, और वीडियो में काफ़ी हाथ यूसुफ सलाउद्दीन साहब का है। इफ़त आजकल के ज़माने में इट इज़ नाउ, मैं आप एसेंशियल, एसेंशियल अब ये ऑडियो विजुअल का ज़माना। बिल्कुल बिल्कुल। जब तक कोई, अब आजकल जब तक कोई सिंगर जो है या उसकी कोई चीज़ सामने ना आए, टेलीविज़न पे ना आए, क्योंकि टेलीविज़न अब हर घर में मौजूद है और लोग, अब लोगों को अब शौक़ भी है, लोग एक आदत भी हो गई है कि जो हर अच्छा गाना आए उसका वीडियो भी होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से अब अपने नाज़रीन को मज़ीद वेट नहीं कराते हैं, और ये जो आपका गीत है ये सब सुनने के लिए बेकरार हूं। इश्क बाग है पुराना, लोग
चढ़िया के तेनू असी तकिया साडा जग सी वीरान अज वसिया कि नैनी खाब कि नैनी खाब भरे भरे वाह डालिया दी मिंडी चढ़िया के तेनू असी तकिया साडा जग सी वीरान अज वसिया कि नैनी खाब कि नैनी खाब भरे भरे वाह डालिया दी मिंडी पई खोल दी वाह डालिया दी मिंडी पई खोल दी रंगा दी जंज चढ़े चढ़े चेत चढ़िया के तेनू असी तकिया।